नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर ललितपुर से है, जहां विधायक रामरतन कुशवाहा ने जिले के अधिकारियों की शिकायत कर शासन को एक पत्र लिखा है। विधायक ने पत्र में लिखा है कि अधिकारी मेरी बात सुनते नहीं है। बता दें कि विधायक रामरतन कुशवाहा जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जब अधिकारियों से कहते हैं तो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। दरअसल विधायक ने जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फ्रीजर को ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रीजर को ठीक नहीं किया गया, जिसके बाद विधायक ने शासन से गुहार लगाई है। और सरकार का मुख्य लक्ष्य है हर आदमी को उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधा मिले, योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन ललितपुर में कुछ दिन से फ्रीजर जो डेड बॉडी रखी जाती है हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में, उसके संबंध में समाचार छपा ललितपुर में कि उसमें नेवलियों ने घुस के डेड बॉडी को नष्ट करने का कोशिश की। मैंने उसी दिन CMS को फ़ोन करके कहा, व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि जितने भी फ्रीजर इस तरह के हैं उन सबकी मरम्मत करा दें। परंतु उस हाँ तो कहा उसने, लेकिन अभी भी आज की जानकारी में भी वो फ्रीजर ठीक नहीं हुए। तो मुझे मजबूरन ये लगा कि ये लोग अनदेखी मेरे आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये जनता की बात क्या सुनते होंगे। खबरमैनपुरी से है, जहाँ एक प्रेमी युगल ने खुद को गोली मार ली, जिसमें लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लड़का जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक के पास एक तमंचा था, पहले उसने प्रेमिका को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार ली। दोनों घायल अवस्था में सड़क के किनारे मिले। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। मैनपुरी के बेवर थाना अंतर्गत घग्गर नहरपुर से आगे एक युवक और एक युवती घायला अवस्था में वहां मिले। वहीं पर एक तमंचा और दो खोखा कारतूस भी पड़ा था और एक खोखा कारतूस तमंचे के अंदर फंसा हुआ था। पुलिस द्वारा तत्काल घायलों को अस्पताल वहां भेजा गया, वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में युवती को मृत घोषित कर दिया गया और लड़के को हायर सेंटर PGI सैफई रेफर किया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पहचान करने पर ज्ञात हुआ कि लड़का का नाम अंकित है और लड़की भी उसी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। अगली खबर बस्ती से है। जिले के SP आशीष श्रीवास्तव ने पूरी क्राइम ब्रांच स्वाट टीम पर बड़ा एक्शन लिया है। दलित नाबालिग लड़के को थर्ड डिग्री देने के आरोप में पूरी स्वाट टीम को भंग कर दिया गया है। मामले की जाँच SSP को सौंपी गई है। फिलहाल नाबालिग युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि परिजनों ने SP को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। खबर श्रावस्ती से है। लंबे समय से सफाई कर्मियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब वे भूखमरी की कगार पर उतर गए हैं। इन सफाई कर्मियों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका CEO की लापरवाही के चलते इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। जो है पांचवा महीना चल रहा है, वेतन नहीं मिला है और हम लोग वेतन ना पाने के कारण भुखमरी के कगार पे हैं। ना कोई राशन दे रहा है, ना कोई साहूकार मुझे पैसा दे रहा है। हमारे बच्चे जितने हैं सब बीमार पड़े हुए हैं। 6-7 कर्मचारियों का लड़के जो बीमार पड़े हुए हैं बहराइच में, 20,000 रुपये पर अपना खेत गिरवी रख करके किया गया है। हम लोग गंदा काम करते हैं, लेकिन न जिला प्रशासन न नगर पालिका प्रशासन हम लोग की कोई बात नहीं सुन रहा है। आज हम लोगों ने इस गेट बंदी का जो धरना प्रदर्शन किया, 15वें दिन हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोग 4 महीने का वेतन नहीं पाए, हम लोग भूखे कगार पर हैं। बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, हम लोग एकदम भूखे मर रहे हैं। किस पद पे हैं? सफाई कर्मी। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। साथ ही अधिकारी ने भर्ती मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। बता दें कि सर्जन के पद पर तैनात डॉक्टरों की सर्जरी ना करने का जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। जिला
ओपीडी का निरीक्षण किया गया। तो इसमें ओपीडी में तो सभी डॉक्टर उपस्थित थे, लेकिन दो तीन डॉक्टर द्वारा जो इलाज किया जा रहा था वो रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा था, तो उसके लिए उनको चेतावनी दी गई है कि जो भी बीमारी है, डायग्नोसिस है और जो दवा है उसको रजिस्टर में दर्ज करें। और दो सर्जन द्वारा यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में सर्जरी की जा रही है, जबकि उनकी मूल तैनाती सर्जन के पद पर है। तो उसके क्रम में CMS साहब को, CMO साहब को निर्देशित किया गया है कि इसका माह में स्ट्रेटजी बना के अगस्त माह में यहाँ अधिक से अधिक संख्या में सर्जरी कराएं, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको जिला अस्पताल की सेवाओं का फायदा मिल सके। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां स्वर्गीय चितरंजन राजकीय इंटर कॉलेज में साइबर यातायात और ड्रग्स जागरूकता अभियान चलाकर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस सोशल मीडिया के निर्मला पटवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के क्राइम कर रहे हैं, जिसके बचाव में आज यहाँ कार्यक्रम किया गया है। आप सभी लोग जानते हो कि जो बच्चे होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो देश का भविष्य होते हैं। तो हम लोग बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को ड्रग्स के बारे में जागरूक कर रहे हैं और बच्चों को यातायात नियमों के और सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में ये जिम्मेदार नागरिक बन सके और देश के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इंटर कॉलेज में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, इनको बताया गया कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, गाड़ी में दो सवारी ना बैठाएं, बगैर लाइसेंस के गाड़ियां ना चलाएं, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इन सब बच्चों को जो है यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। खबर गदरपुर से है, गदरपुर में SDM के नेतृत्व में राजस्व और पालिका प्रशासन की टीम ने नगर के दो गोदामों पर छापा मारा। छापा मारकर 4 क्विंटल 50 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन और थर्माकोल से बनी सामग्री को बरामद किया है। इस दौरान टीम ने गोदाम स्वामियों पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाँ, इसमें चूंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसी संबंध में माननीय आयुक्त महोदय का एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश थे कि फुटकर विक्रेताओं के साथ साथ जो थोक विक्रेता हैं, भंडार करता हैं, उनके भंडार पर छापेमारी की जाए और उसमें आज तक की रिपोर्ट दी जाए। तो इस संबंध में हम लोग कल से लगे हुए हैं और टेस्ट करवा रहे थे कि कहाँ भंडार हुआ है। तो आज गदरपुर में हमने दो भंडारकर्ता के यहाँ छापेमारी की, उसमें कई कुंटल जो है अभी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिले हैं, जिसको जब्त किया गया है नगर पालिका के माध्यम से और उस पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा हर साल परंपरागत रूप से श्री नर नारायण जयंती का आयोजन किया जाता है, साथ ही उत्सव यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि ये उत्सव 2 दिन तक मनाया जाता है। आज बद्रीनाथ मंदिर से भगवान श्री नर नारायण जी की डोली माता मूर्ति मंदिर पहुंची, वहां अभिषेक पूजा पाठ के बाद वो फिर बद्रीनाथ मंदिर लौट आई। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में शामिल नर नारायण ने सतयुग में अवतार लिया और बद्री का आश्रम में तपस्या की। बद्रीनाथ में उनके अवतरण की खुशी में सदियों से हर वर्ष नर नारायण जयंती मनाते हैं, जो पौराणिक परंपरा आज भी अनवरत चल रही है। खबर पौड़ी से है, पौड़ी के सतपुली सीओ सदर प्रेमलाल टंटा ने थाना सतपुली पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। सीओ सदर प्रेमलाल टंटा ने थाना पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद प्रेमलाल टंटा ने थाना सतपुली के सभी अभिलेखों सहित शस्त्रों और उपकरणों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टंटा ने पुलिसकर्मियों को शस्त्रों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं एक तो जो हमारे शस्त्र होते हैं उनका रख रखाव ये देखा जाता है कि किस प्रकार का है, जैसे बरसात होती है बरसात काल में उनके अंदर कोई फफूंदी तो निकलेगी या इस तरह से कोई भी चीज़ जो है ख़राब तो नहीं हो रही है। साथ साथ जो थाने का जो रिकॉर्ड होता है उसको प्रत्येक गश्त कर चेक किया जाता है कि उस जो प्रविष्ट है वो सही रूप से अंकित है नहीं है, ये सब देखी जाती है। साथ साथ जवानों को भी जो है अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है और जो थानाध्यक्ष होते हैं उनको भी इस बारे में जो है अवगत कराया जाता है कि आपकी इनकी गतिविधियों पर अंतर वो रखेंगे, ध्यान रखेंगे इनको जो है, और इस प्रकार से जो है पूरा थाने का जो है जिम्मेवारी आप देखेंगे काम। सुल्तानपुर में हफ्ते भर पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि मामला चांदा कोतवाली के छतौना कला का है, जहाँ बीते 28 जुलाई को जंगल की
झाड़ियों में अज्ञात शव मिला था, जो बैंक फ्रेंचाइजी संचालक का था, जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। और आज हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 1 आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हत्यारे की बहन से संबंध और लूट के इरादे से ही बैंक फ्रेंचाइजी संचालक की हत्या की गई थी। इसी संबंध में आज अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 अभियुक्त हैं। एक पिंटू उर्फ तेज बहादुर है, जो कि चांदा क्षेत्र का रहने वाला है, और एक नंदलाल निषाद है, वो भी एक वहीं का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई है। एक्चुअली ये जो मृतक है, जिसकी हत्या की गई थी, वो राहुल शर्मा है, जो एक फ्रेंचाइजी चलाता था कामतागंज यहीं कोतवाली देहात में, और इसको 26 तारीख की शाम से ये गायब था। इसके परिजन इसको तलाशते रहे और 27 को उन्होंने थाना कोतवाली देहात में एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसको ये डेड बॉडी चांदा के छतौना कला जंगल में प्राप्त हुआ था, मिला था। तो उसमें फिर हम लोगों ने उसमें टीम लगाई थी, स्वाट टीम और हमारे थाने की टीम जो कोतवाली देहात की है, इन लोगों ने मेहनत करके उसको डेवलप किया कि किसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। दरअसल गाड़ी को ठीक करते समय पार्किंग होने से आग लगने की बात कही जा रही है। वहीं आग में एक लड़का भी बुरी तरह से झुलस गया है, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद लड़के को बचाया गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला बुझाया हतायत नगर थाना क्षेत्र का है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।